हेलो एवरीवन वेलकम टू द ट्रिपल एस चैनल मेरा नाम है नितिका और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उससे पहले आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे यूट्यूब पे या फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे लेक्चर्स के तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखिए जब हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स की तो डेमोक्रेसी के तीन पिलर्स देखे जाते हैं जो कि हैं एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी अभी जो एग्जीक्यूटिव है वो ब्रांच है जो कि एग्जीक्यूट करती है या जो एनफोर्स करती है उन लॉज़ को जो कि लेजिस्लेचर द्वारा बनाए जाते हैं तो अगर हम देखें कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन लोग आते हैं तो इसमें हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो इससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट हैं जो आर्टिकल फिफ्टी टू है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें मैंशनड है दैट देयर शैल बी ए प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया मीन्स इट इज़ ए नेसेसिटी प्रेजिडेंट को हम फर्स्ट सिटीजन भी कहते हैं और इन्हें हम हेड ऑफ़ द इंडियन स्टेट भी कहते हैं लेकिन हेड ऑफ़ द इंडियन स्टेट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट जो है ये दो डिफरेंट चीज़ें हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट हम प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं और हेड ऑफ़ द इंडियन स्टेट हम प्रेसिडेंट को कहते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एक्चुअली डिसीजंस लिए जाते हैं वो प्र, प्राइम मिनिस्टर और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेते हैं और जो लॉज एंड ऑर्डर्स पास किए जाते हैं वो सिर्फ प्रेसिडेंट के नाम पे पास किए जाते हैं इसलिए अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट जो है वो एक नॉमिनल हेड हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रियल हेड हैं गवर्नमेंट के देखिए जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्टली कंडक्ट नहीं किए जाते कि जो पब्लिक है वो सीधे जाके वोट कास्ट कर पाए ये इनडायरेक्टली कंडक्ट किए जाते हैं एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसके मेंबर्स जो हैं वो इसमें वोट करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज मतलब अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इलेक्टर्स जिसमें कि आते हैं मेंबर्स ऑफ दू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स हैं और जो दिल्ली पुदुचेरी और जे एंड के यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस वोटिंग में अभी हमने ये देख लिया कि कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन लोग इस इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो उसमें आते हैं जो राज्यसभा और लोकसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं यानी कि जैसे हमें पता है कि राज्यसभा में ट्वेल्व नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं और लोकसभा में टू नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं तो वो लोग इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसके बाद जो नॉमिनेटेड मेम्बर्स हैं स्टेट लेजिलेटिव असम्बलीज़ के वो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते और जो स्टेट लेजिस्टिव काउंसिल्स रहती हैं उनके जो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेम्बर्स वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते और जो दिल्ली पुदुचेरी एंड जे एंड के यूनियन टेरिटरीज की जो लेजिस्टिव असेंबलीज़ हैं उनके जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो भी इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो इसके बाद आगे हम बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की यानी कि जो एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं जो कि इन जिनके लिए वोटिंग की जाती है उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए तो उसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले ही शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया उसके बाद उनकी जो मिनिमम एज लिमिट रखी गई है वो थर्टी फाइव ईयस रखी गई है और उनकी वो सब क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो एक लोकसभा मेंबर बनने के लिए ज़रूरी होती हैं उसके बाद ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ़ प्रॉफिट अभी अगर हम बात करें ऑफिस ऑफ़ प्रॉफिट की तो ये uh, कोई भी ऐसा ऑफिस अंडर यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या किसी पब्लिक अथॉरिटी के अंडर जहाँ से कि आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं जहाँ से आपको पे मिल रही है या किसी भी तरह के बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसे हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं तो uh, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है ही शुड नॉट होल्ड सच एन ऑफिस तो एज सच ये डिफाइंड नहीं है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लेकिन ओवर द टाइम कुछ जजमेंट्स और कुछ एक्ट्स के थ्रू इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की गई है जैसे कि टू थाउजेंड वन का प्रद्युत बोर्दुलई वर्सेज स्वपन रॉय केस उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी कि जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं कि uh, कौन सा ऑफिस जो है उसको हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कंसिडर कर सकते हैं जैसे कि उन गाइडलाइंस में ऐसा है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट है वो तो नहीं वहाँ अपॉइंटमेंट बन uh, कर रही है या जो गवर्नमेंट है पे तो नहीं कर रही वहाँ के एम्प्लॉइज को या जो गवर्नमेंट है उसको राइट right है वहाँ से किसी को रिमूव या डिसमिस करने का तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं ये टेस्ट करने के लिए कि कौन सा ऑफिस जो है उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कह सकते हैं तो अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो एक जो प्रेसिडेंट हैं या जो वाइस प्रेसिडेंट हैं गवर्नर हैं या स्टेट मिनिस्टर हैं या यूनियन मिनिस्टर हैं ये लोग भी ऑफिस ऑफ उफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते इसलिए ये भी क्वालिफाई करते हैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनना नेक्स्ट हम बात करते हैं ओथ की तो मेनली इस ओथ में हम देखते हैं इट्स टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ तो मतलब जो प्रेसिडेंट हैं वो एक्ट करते हैं एज प्रिजर्वर प्रोटेक्टर एंड डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अभी एक टर्म हमें सुनने को मिलती है कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं और प्रेसिडेंट को हम प्रिजर्वर प्रोटेक्टर एंड डिफेंडर कहते हैं जो इनकी टर्म रहती है वो फाइव इयर्स रहती है लेकिन उससे पहले ये रिज़ाइन कर सकते हैं या इनको रिमूव किया जा सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है जैसे कि हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट है, हैं वो प्रिजर्वर प्रोटेक्टर एंड डिफेंडर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तो ऑब्वियसली वो कुछ भी ऐसा स्टेप लेते हैं या कुछ भी ऐसा डिसीजन लेते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर रहा है तो ऐसे केसेस में उनको डिसकवालीफाई किया जाता है और उनको उनके ऑफिस से रिमूव कर दिया जाता है तो रिमूवल के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसे हम इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं जो इम्पीचमेंट चार्जेस होते हैं वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी हाउस में जो है वो इनिशिएट किए जा सकते हैं उसके बाद ये जो इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन है ये उस हाउस से पास होकर नेक्स्ट हाउस में जाता है और नेक्स्ट हाउस जो है वो एक्ट करता है एज इन्वेस्टि हाउस वो इन्वेस्टिगेट करते हैं इन चार्जेस को और अगर वो चार्जेस वैलिड प्रूफ होते हैं तो जो दूसरा हाउस है वो भी इस रेजोल्यूशन को पास करता है और जब दोनों हाउसेस इस रेजोल्यूशन को पास करते हैं तो प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाता है उनके ऑफिस से तो यहाँ एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे उनमें जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे राज्यसभा और लोकसभा के वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे लेकिन जो इम्पीचमेंट है उसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं दोनों हाउसेस के वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अभी तक इंडिया में किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट से रिमूव नहीं किया गया है नेक्स्ट हम बात करते हैं वैकेंसी की कि इनके ऑफिस में प्रेसिडेंट ऑफिस में जो है वैकेंसी कब कब क्रिएट हो सकती है तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ऑन द एक्सपायरी ऑफ इस टेन्योर ऑफ़ फ़ाइव ईयर जैसे कि हमने देखा कि इनका जो टेन्योर है फाइव ईयर्स का जब वो कम्प्लीट हो जाता है तो उस टाइम पर इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं और न्यू प्रेसिडेंट जो हैं वो अपॉइंट uh, किए जाते हैं या फिर बाय हिज़ रेजिग्नेशन मतलब अगर उनका टेन्यूर अभी कंप्लीट uh, नहीं हुआ है उससे पहले वो रिज़ाइन कर देते हैं किसी रीज़न से या फिर अगर उन्हें इम्पीचमेंट की प्रोसेस से रिमूव किया जाता है या उनकी डेथ हो जाते हैं अदरवाइज कुछ ऐसे रीजंस की वजह से उन्हें डिसक्वालीफाई किया जाता है तो इन केसेस में जो है वो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है प्रेजिडेंट ऑफिस में और Uh, ये जो uh, चार रीजंस हैं यानी कि रेजिग्नेशन इम्पीचमेंट डेथ और अदरवाइज इन केसेस में अगर वैकेंसी क्रिएट होती है तो जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है द मस्ट बी कंडक्टेड विद इन द दिक्कस मंथ्स और तब तक जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एक्ट करते हैं एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो हमारे आज के टॉपिक में बस इतना ही जो इसका बाकी बचा हुआ पोर्शन है इस टॉपिक का वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि अभी जो इंडियन पॉलिटी के लिए हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं उसको उठा के उसके किसी चैप्टर को उठा के उसका एक एक वर्ड डिक्टेट करना जो है वो लेक्चर्स में पॉसिबल नहीं है तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं सिर्फ आपको एक टॉपिक का जो एसेंस है वो समझा दूँ ताकि आप जब अपनी बुक से या जिस भी सोर्स से आप पढ़ रहे हैं आप जब वहाँ पर ये टॉपिक पढ़ें तो आपको चीज़ें थोड़ा ईजी लगें समझने के लिए बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं